ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सबने सुना है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब उम्र के साथ हड्डी कमजोर होना। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लोग बोन डेंसिटी करते हैं, खुद से ही कैल्शियम लेते हैं, सब कुछ अवेयरनेस है, सब है। लेकिन और एक ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी है, वो है सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया के बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, यही आज मैं डिस्कस करूंगा। मैं हूं आपका ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर धरीवाल। उम्र के 20-25 साल तक ऊपर वाले ने वारंटी दिया है, आप कैसे भी कुछ भी करो, कैसे भी बैठो, बेड पे बैठो, चेयर पे पोस्चर सही नहीं होगा, आप उठ के बिना वार्म अप किए खेलो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल दौड़ लिया, कुछ भी करो, ज्यादा कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 20-25 साल तक आपका मसल नेचुरली स्ट्रांग रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे हड्डी कमजोर होती है, सिमिलरली मसल वीक होने लगता है। सार्कोपीनिया इज लॉस ऑफ मसल मास। मसल मास, मसल का वेट, मसल का प्रोटीन कंटेंट जैसे टाइम जाएगा कम होते जाता है। एक स्लो प्रोसेस है जो स्लोली स्लोली ओवर द इयर्स, रादर ओवर द डेकेड्स, जैसे आपकी उम्र 40, 50, 60, 70, मसल कमजोर होते ही जाएगा। इस वजह से जो 20-25 साल में काम होता था, वही काम 50 साल की उम्र में मुश्किल होने लगता है। 50 साल में उम्र में आप इतना टाइम कंप्यूटर के सामने बैठ ही नहीं पाते, कमर दर्द होने लगता है, गर्दन दर्द होने लगता है, घुटनों में प्रॉब्लम होता है, या फिर किचन में खड़ा होना। 25 साल में तो घंटों घंटों तक किचन में काम होता था, अभी 40 हो गया, 50 हो गया, तो एक घंटा भी खड़े रहते हैं तो दर्द होने लगता है। ये सब की वजह है सार्कोपीनिया, क्योंकि मसल कमजोर होते गया तो आपका स्ट्रेंथ, काम करने का कैपेसिटी कम हो गया। सार्कोपीनिया का मस्कुलोस्केलेटल सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर मसल कमजोर होता है तो आज का रिसर्च बताता है कि बहुत सारी बीमारियां मसल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सी बीमारी? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, इवन कैंसर। आज का रिसर्च बताता है कि जिनके मसल स्ट्रांग है या जो मसल मेंटेन करते हैं स्ट्रेंथ, उनको ये बाकी नॉन ऑर्थोपेडिक बीमारियां भी नहीं होती। तो ये सार्कोपीनिया का ट्रीटमेंट क्या है? सार्कोपीनिया के लिए कोई दवाई मेडिसिन नहीं, लेकिन द गुड न्यूज इज दैट सार्कोपीनिया पूरी तरह से रिवर्सिबल है। आप एक्सरसाइज करेंगे, आपका मसल, जैसे आपका मसल मास कम हो गया है, वो मसल मास बढ़ने लगेगा। कितना बढ़ सकता है आपने देखा ही है, बॉडी बिल्डर लोग क्या लेवल तक मसल को लेके जाते हैं। आपने इतनी मसल मास की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, जिम, साइकिल, स्विम, ऐसे सब आप एक्सरसाइज करेंगे हफ्ते में 4-5 दिन, तो आपका मसल मास वापस आ जाएगा। जो आपका मसल मास था 20 साल की उम्र में, वो मेंटेन रहेगा, फिर आप उतने ही एफिशिएंटली काम कर पाएंगे पूरी उम्र, और आप सब बीमारियों को दूर रख सकते हैं। तो एक्सरसाइज आज के दिन में ऑप्शन नहीं है कि मैं एक्सरसाइज टाइम मिला तो करेंगे, या मेरा करियर में इतना प्रोग्रेशन हो गया तो मैं करूंगा, मेरे घर की घर आ गया, गाड़ी आ जाएगी तब मैं करूंगा। नहीं, एक्सरसाइज आज करना है। एक्सरसाइज इज नेसेसिटी, जरूरत, एक्सरसाइज के बिना प्रॉब्लम्स। तो एक्सरसाइज आपको कोई भी, आप लाइफ में किधर भी, आप जहां पे भी है, जो भी स्ट्रगल है, जो भी है,
टाइम नहीं है, ये कॉन्स्टेंट कंप्लेंट रहता है, टाइम नहीं, इट इज क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटी। अगर आप एक्सरसाइज समझते कि एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मुझे कितना प्रॉब्लम होगा, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज को प्रायोरिटी देंगे। अगर आपने उसको प्रायोरिटी दिया तो टाइम खुद ब खुद बन जाता है और आप एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। सो एक्सरसाइज नॉट ऑप्शनल, इट इज नेसेसरी। सार्कोपीनिया का अवेयरनेस जरूरी है, सार्कोपीनिया क्या है ये समझना जरूरी है, और सार्कोपीनिया मुझे नहीं होना चाहिए। सार्कोपीनिया के लिए एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज कौन सी करनी है उसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्सरसाइज हर मसल का होना चाहिए, सिर्फ आप वॉक करेंगे तो बात नहीं बनेगी। आपके शोल्डर्स, बैक, नेक, ऑल मसल ग्रुप्स का एक्सरसाइज होना है। योगा, जिम, ऐसे सब एक्सरसाइजेस में फुल बॉडी एक्सरसाइज होता है। ये आज के टाइम में, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल में कंप्यूटर के सामने घंटों तक बैठना होता है, तो इसकी वजह से लोअर बैक, नेक, ये मसल्स का स्ट्रेंथ भी क्रिटिकल हो गया है। तो आपको ये सब एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज करना है। सार्कोपीनिया के बारे में अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, न तो फिर कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू।